मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टेंस का अगला पार्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पहचान वही होती है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की होती है। सिर्फ अंतर ये होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है। ठीक है, पहचान वही है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि लगे रहते। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल, शायद, फिर इसके बाद आए बीन, फिर इसके बाद बार बका फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद सिंस, पास्ट, या कभी कभी हम यहाँ पे टिल का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि फ्यूचर की घटनाएं निश्चित नहीं होती हैं। ठीक है ना, फ्यूचर की घटनाएं निश्चित नहीं होती हैं, इसलिए टिल का भी प्रयोग करते हैं। सिंस के स्थान पे टिल का प्रयोग, ठीक है, काल के स्थान पे नहीं होगा, सिंस के स्थान पे होगा। ठीक है, जहाँ पे तक का प्रयोग किया जाता है वहां पे सिंस के स्थान पर फॉर टिल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद दिल से का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है पिताजी, फादर, फिर इसके बाद दिल से में रियल है, फिर इसके बाद जैसे जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही बनाएंगे। विल हैव बीन, फादर विल हैव बीन, फिर इसके बाद पढ़ना रीडिंग, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है न्यूज पेपर। ठीक है, लगातार पढ़ नहीं है, छोड़ेंगे, सिंस फॉर टिल में से लगाएंगे। यहाँ पे 10 मिनट लिखा है, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। अच्छा, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट विल सर हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, फिर नाइट टाइम। अगले उदाहरण में चलते हैं, मैं अपना बिजनेस व्यापार, बिजनेस माने व्यापार होता है, मैं अपना व्यापार मई से शुरू कर रहा होऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ सेल लगेगा,
फिर इसके बाद है बीन, आई सेल है बीन, शुरू करना वर्ब है स्टार्टिंग। फिर इसके बाद अपना यानी माय, फिर बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यापार। फिर इसके बाद निश्चित समय है सिंस मई, टिल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि तक नहीं है तो टिल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जाते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में। इसमें पहले बनेगा सेम उसी तरह से बनेगा सर्व सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट, फिर इसके बाद हैव बीन, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस बार, फिर इसके बाद टाइम, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं सितारे 6 बजे से, सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सितारे सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि खगोली पिंड है और विश्व में एक ही है इसलिए द का प्रयोग पहले करेंगे, द स्टार्स। फिर इसके बाद डील है नॉट हैव बीन, ठीक है, द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग। ऑब्जेक्ट में जाएंगे इन द स्काई, आकाश में। ठीक है, फिर इसके बाद निश्चित समय है 6 बजे से, तो सिंस 6 o'clock, ठीक है ना, सिंस 6 o'clock। बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रह रहा होगा, तो बच्चा द चाइल्ड, ठीक है ना, द चाइल्ड इसके बाद सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल सेल, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन कमरे में नहीं रह रहा होगा, लिविंग रहना वर्ब है, इन द रूम निश्चित समय है सुबह से, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगे तो इंट्रोगेटिव में जब प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया से ही बनाएंगे, विल से लगेगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, द
नहीं, सब्जेक्ट बिल्स है, सब्जेक्ट फिर इसके बाद हैव बिन लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है ना। फिर इसके बाद सिंस फॉर, फिर इसके बाद टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले बिल्स है लगेगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर इसके बाद हैव में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ब के सेंस पर, फिर टाइम लगेगा, ठीक है ना। जैसे क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे, ठीक है। क्या बच्चे, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। एक और कहानी लिखते हैं, क्या बादल सुबह से नहीं क्या लिखते हैं, क्या बादल दो घंटे से पानी बरसा रहे होंगे, ठीक है। एक उदाहरण और लिखते हैं, हम नकारात्मक का भी लिखते हैं, नकारात्मक का भी इसमें बता देते हैं। क्या माली एक घंटे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। क्या माली पौधों को एक घंटे से पानी नहीं दे रहा होगा। अब इसको हम बताते हैं, पहले बिल सेल, बिल द, बिल द पीपल, फिर इसके बाद है बिन, ठीक है। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, टहलना, वॉकिंग पार्क में, इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग विल द पीपल वॉकिंग, विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। फिर इसके बाद है इसमें बिल द, यहाँ बरसा रहे होंगे यानी बहुवचन में है, बादल, बिल द क्लाउड्स हैव बीन, बरसाना रहमान नहीं होगा, रहमान ही बरसा होता है, बरसाना अलग चीज है। शॉवर यानी बौछार करना, एस एच ओ डब्ल्यू आर आई एन जी, शोवरिंग, ठीक है ना। बिल द क्लाउड हैव बीन शोवरिंग द वाटर फॉर टू आवर्स। इसके बाद है क्या माली, इसको भी बिल द, बिल द गार्डनर, गार्डनर माली माली, बिल द गार्डनर, इसके बाद है बीन, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे पानी नहीं है, जब नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा है बीन के पहले। बिल द गार्डनर नॉट है बीन, क्योंकि है बीन सहायक क्रिया नहीं है, बिल सेल है,
बिल द गार्डनर नॉट हैव बीन वाटर, वाटर माने पानी देना, और वाटर माने पानी भी होता है, वाटरिंग द प्लांट। फिर एक घंटे से फॉर एन आवर, ठीक है। अब ये चलते हैं लास्ट, इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, ठीक है ना। इसमें इसी को डबल इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। यस नो टाइप क्यों? क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि क्या तुमने उसे देखा, तो अगर हमने देखा होगा तो बोल देंगे कि हाँ मैंने देखा, नहीं देखा तो बोल देंगे नहीं देखा। इसलिए इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नेगेटिव यानी इन द नेगेटिव और इन द अफर्मेटिव, हाँ या ना में भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद बिल सेल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव बीन, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर इसके बाद सेंस या पार, फिर इसके बाद टाइम, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं कि बाहर दो घंटे से काम रुक रहा होगा, बाहर दो घंटे से कौन रो रहा होगा, इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा। एक हम इसी का नेगेटिव भी लिखते हैं, ठीक है ना, दो वो अफर्मेटिव में हो गए, एक नेगेटिव में लिखते हैं। जैसे लिखते हैं मोर सुबह से क्यों नहीं नाच रहे होंगे। सबसे पहले बाहर दो घंटे से कौन रो रहा होगा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, कौन क्या लिखेंगे, हु विल। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट वाला हम स्थान छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट वाला नहीं लिखे। पहले हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद बिल्स है, इसके बाद सब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ देंगे। आगे चलते हैं तो है भी लिखा है, जो चीज नहीं रहेगा उस स्थान को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। हु विल है भी, फिर इसके बाद रोना बीपिंग, बीपिंग, ठीक है ना। Who will have been weeping, बाहर बाहर outside, ठीक है ना। फिर दो घंटे से for two
आवास। इसके बाद इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन पार्ट, फिर इसके बाद बिल से अनुरूप बिल, फिर इसके बाद इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, क्या लिखेंगे? Who will have been teaching, वर्ब हो गया। इसके बाद सब सब क्या लिखेंगे? In this class, फिर कक्षा, इस कक्षा में विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स, इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से हालांकि यहाँ पे हम स्टूडेंट का प्रयोग नहीं भी कर सकते क्योंकि इस कक्षा में है, तो इस कक्षा में कौन रहेगा? विद्यार्थी ही रहेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता। हम केवल इतना ही लिख सकते हैं कि हु विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, हु विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास सिंस मॉर्निंग। इसके बाद मोस्ट सुबह से क्यों नहीं नाच रहे होंगे, सबसे पहले हम क्यों को लिखेंगे, तो Why will, इसमें सब्जेक्ट दिया है मोर, Why will पिका, फिर इसके बाद नॉट का भी प्रयोग किया गया है, नॉट have been dancing, ठीक है, फिर इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे, फिर चले जाएंगे, अदर वर्ड भी नहीं है उसको भी छोड़ देंगे, फिर इसके बाद सिंस फॉर्म में जाएंगे और इसके बाद टाइम पे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आज सेंटेंस खत्म हुआ। नेक्स्ट ईयर अभी जितने स्ट्रक्चर हैं और रूल्स फार्मूले सब कुछ याद कर लेना क्योंकि अगले वीडियो में हम वॉइस पे चलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।